किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरी खेती में। किसान भाइयों, हमने आपको तरह तरह की जानकारियां अपने इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी हैं और आज हम एक खास रिपोर्ट आपको दिखवा रहे हैं और इस रिपोर्ट का विषय है एक दिन किसान के साथ, यानी कि किसान का जीवन कैसे गुजरता है, उसके दिन की शुरुआत कैसे होती है, दिन भर क्या करता है और उसकी शाम कैसी होती है। ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि खेती किसानी और ग्रामीण जीवन का जो आनंद है वो अलग ही तरह का होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उन सब चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं ग्रामीण जीवन की ओर। निश्चित रूप से एक ऐसा घर जिसमें बड़ा सुकून मिलता है हर गांव में, कहीं और नहीं तो अब चाहे वो नोहरा जिसको कहते हैं ग्रामीण अंचल में वहीं रह गई हो, लेकिन झोपड़ी आज भी जीवित है और चूंकि इसमें घास फूस का ऊपर शेड होता है तो बड़ी ठंड और गर्मी को लेके ये बड़ा कुचालक बनी रहती है। गर्मियों में ठंडा रहता है और ठंड के दिनों में गर्माहट बनी रहती है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इस झोपड़ी में, इसमें किसान बैठे हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं कि उनका जीवन की जो व्यवस्था है वो कैसे चलती है, उनके दिन की शुरुआत कैसे होती है, वो दिन भर क्या करते हैं, क्या खेतीबाड़ी करते हैं, ये सारी जानकारी आपको दिलवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। तो ये झोपड़ी आपकी है? जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? प्रेमचंद पाठक। प्रेमचंद जी, ये झोपड़ी आपने बनाई है और सरकंडा और फूस की बनी हुई है जी, तो गर्मी और सर्दी में इसमें कैसा तापमान रहता है? जी गर्मी पड़ती है तो इसमें ठंडक बनती है। अच्छा। और जब जाड़ा पड़ता है, अगर ठंड पड़ती है तो इसमें भौकाई रहती है, गर्माहट रहती है, गर्माहट जी। तो आपके दिन की जो शुरुआत है वो कैसे होती है हम जानना चाहते हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि किसान का जो दिन है उसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले जगने के बाद आप क्या करते हैं? सबसे पहले सर कुल्ला दातन करके और अपने पशुओं के लिए चारा डालते हैं जी। चारा डाल के उसका गोबर वोबर उठाते हैं जी, घरवाली उठाती है या हम उठाते हैं जी। और उसके बाद में फिर वो चारा खा लेते हैं, फिर दोबारा चारा डालते हैं। इसी दौरान हम चाय वाय पी लेते हैं, चाय पी के फिर उसका दूध निकालते हैं। अच्छा। दूध निकालने के बाद में फिर अपने ढोरों को पानी पिलाते हैं, पानी पिलाने के बाद में फिर उनको दूसरी जगह पे बल देते हैं। एक थिया जो पशु परेशान हो जाता है तो दूसरी जगह पेड़ पौधे के नीचे बांध देते हैं उसे जी। उसके बाद में फिर हम चारा लेने जाते हैं पशुओं के लिए, अपनी खेती पे जाते हैं, धानों में पानी चलाते हैं, फिर आते हैं घर पे, फिर नहा धो के खाना खाते हैं, पशुओं का चारा गोदते हैं, चारा गोद के फिर खेती पे जाते हैं जी। फिर पानी बलते हैं दूसरी क्यारी में, वो क्यारी भर जाती है, फिर हम काम को आ जाते हैं, फिर पशुओं को देखते हैं दोनों मियाँ बीवी, और ऐसे ही दिन गुजर जाता है। फिर खेत पे भगना पड़ता है, फिर शाम के टाइम में इंजन को बंद करके आते हैं, फिर दूध वूध निकालते हैं पशुओं का। कौन कौन सी फसलें लेते हैं आप? ज्यादातर तो जी धान बाजरा और तिल, और जाड़े में गेहूं है, चना है और जौ, सरसों, ये फसलें आपके यहाँ होती हैं? ये होती। सब्जी की जो खेती है वो कभी आपने करके देखी? नहीं जी, हमारे सब्जी हो जाती है पर हम करते नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा? हम ये थोड़ी जो खेती होती है उनके लिए बढ़िया है, हमारी खेती जमीन हम ज्यादा करते हैं, 70-80 बीघे जमीन करते हैं, तो 70-80 बीघे जमीन में ये काम नहीं हो पाता है। थोड़ी खेती वाला तो सब्जी में मतलब सुबह से शाम तक सब्जी के खेत पे रहे तो सब्जी हो सकती है। बिल्कुल हाँ, आपको बाकी और सारे काम भी देखने हैं तो और भी देखना पड़ता है। अब हम पे ट्रैक्टर है, आप जैसे आ जाते हैं कि हमारा खेत जोत दो तो हम खेत जोतते हैं भाड़े पे भाड़े पे जी।
जैसे मान लिया आप कह रहे हैं कि हमारा अनाज ले जाओ बाद मंडी, तो अनाज भी ले जाते हैं, तो इसलिए हम फसल नहीं बो नहीं करते, सब्जी नहीं करते। ठीक है पाठक जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। किसान भाई, जैसे कि आपको मालूम है किसान के दिन में कई सारे काम रहते थे, और एक दौर था जब पटसन, किसी इलाके में सन की है, किसी इलाके में डाब की खेती होती थी, और किसान भाई दिन में रस्सी बटने का काम करते थे। आज घर में माताएं या किसान भले ही कपड़े का या जो बेकार चीज़ें हैं उनकी रस्सियां बनाते हैं, जो उनके पशुओं के लिए, उनके चारे को बांधने के लिए काम में आती है। हमारे साथ एक किसान भाई है, आइए इनसे जानते हैं ये कितनी रस्सी बना लेते हैं और कितना समय इसमें लगता है। कहाँ शुभ नाम है बाबा आपको? हैं? कहाँ नाम है आपको? मेरा नाम लालाराम पाठक। लालाराम जी, ये रस्सी काहे की बना रहे हो आप? ये एक हमारी भैंस आवेगी वह काज लवारी के काज बना रहे हूँ, पड्डा पड़ जाए। तो ये सूत की है, धोती की है, काहे की है? धोती की है। धोती की है, हाँ, तो पहले तो आप सन की और डाव की रस्सी बनाते थे? सन बाबू जी अब भवे हैं, भो ना कीड़ा खा जाए। अच्छा, हाँ सन हो ना आए। कुल मिला के पटसन की खेती बंद हो गई है, इसलिए आप धोती उतरे पुरानी धोतियों की, हाँ, उनकी बैटरी बना रहे हैं। तो इसमें आपका समय गुजर जाता है, कितने घंटे गुजार देते हैं काय में? ये जो गीतो ये डेढ़ घंटा में तो बट के तैयार रह जाए जी, और अब तुम्हारे घर लगी रहूँ या तो हाल करे रहो तैयार। तो अब रस्सी बटने का काम खत्म हो जाएगा, तो फिर दिन में क्या काम करोगे, क्या दिनचर्या रहती है? दिन में मतलब अपना देखा भारी करते रहूं मैं तो, अपने पेड़ पौधान की और रखवारी करते रहूं, कोई गाय गवरिया ना आवे, बुर्जी फुर्जी ने बिगाड़े ना जी। कामे में बूढ़ा आदमी हूँ मैं तो, मतलब यहीं पर रहूं, बालक जंगल में काम करते रहें जी।